तो क्लीन बोल इन्हीं को करने वाले हैं हम, शुरुआत महाराष्ट्र से ही होगी और फिर जाते जाते जो देश में होगा जो बदलाव आएगा वो सबको चौंकाने वाला होगा, और स्टार बैट्समैन जो होंगे उद्धव ठाकरे जी होंगे। तो मैं अभी से इनको बता दूं, एकनाथ शिंदे जी उल्टी गिनती आप अपनी शुरू कर दीजिए, घर में बैठने का इंतजाम कर लीजिए, थाने में वापस लौटने का इंतजाम कर लीजिए, क्योंकि आपको बोरिया बिस्तर बांधकर आपकी पार्टी को वापस थाने पहुंचाने वाले हम। मैडम, कल नवनीत राणा जी का एक वीडियो वायरल हुआ था कि इसमें कहा कि मोदी लहर नहीं है, ऐसा भ्रम में मत रहिए, इस पर क्या लिखते हैं? चलिए कुछ तो कभी उनके मुंह से सच निकला है, क्योंकि जो जिनके खुद का जो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को लड़ाई गई थी और हाईकोर्ट ने जो निर्णय लिया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने टालने का अलग करने का काम किया है। पर मैं ये कहूंगी, ये तो हम सभी कहते आ रहे हैं, कोई लहर नहीं है ये, कोई ये जो भी ये प्रधानमंत्री जी जा जाकर लोगों के बीच में जा जाकर रैली को संबोधित कर रहे हैं, उन सब रैली से एक ही बात निकल रही है, रोजगार कब दोगे, महिलाओं को सुरक्षा कब दोगे, किसानों के अधिकारों को कब पूरा करोगे, युवा बेरोजगार युवा जो बैठे हैं उनको रोजगार कब मिलेगा। तो आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, पर काम आपका पूरा खोखला है, वो जनता देख रही है, इसलिए कोई वेव नहीं है। शायद नवनीत राणा खुद अपनी सीट ना जीत पाए। 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होने वाला है और ऐसे में पहले 5 लोकसभा सीट महाराष्ट्र में है, उस पर क्या है? मैं कहूंगी पहले चरण से ही शुभ संकेत दिखने लग जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी विदा होने वाली है, महाराष्ट्र से ही नहीं देश भर से उनकी विदाई की तैयारी होगी। पहला फेज तो पहला कदम है, बढ़ते बढ़ते जब 7वां फेज खत्म होगा, 5 फेज में तो महाराष्ट्र में खत्म हो जाएगा, 7वां फेज जब खत्म होगा तो इनका सुपड़ा साफ होना है। ये पूरा मैं इस कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ कि जहां जहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं वहीं वहां जनता आकर उनसे तीखे सवाल पूछना चाह रही है, पर उनको एक जगह नहीं मिल रही है बोलने की। तो वो कैमराज में बोल रहे हैं, वो मीडिया से बात कर रहे हैं, वो वीडियोस बना बना कर डाल रहे हैं, और जो माहौल बन रहा है उनके खिलाफ बन रहा है। तो फर्स्ट इलेक्शन में, फर्स्ट फेज में मैं सभी वोटर से कहूंगी बाहर बाहर निकले, वोट करें, ये बहुत महत्वपूर्ण आपकी जिम्मेदारी है, देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। आप वोट करेंगे तो वही एक निर्णायक कदम होगा जो आने वाले समय में एक अच्छी सरकार केंद्र में लाए। मुंबई से कितनी सीटें आ सकती है इंडिया अलायंस के? सभी सीट आएंगी हमारी, मुझे तो उसमें कोई दो राय ही नहीं है, और जो रेप अक्यूज हैं, जो करप्शन अक्यूज हैं, उन सबको वापस उनकी जगह पे बिठाया जाएगा उनके घरों में। और जो एक दिल्ली से उम्मीदवार आए हैं, मंत्री उम्मीदवार जो नाक के नीचे वो कुछ देखते ही नहीं है अपनी, उनको भी वापस दिल्ली भेजा जाएगा कि आप जो वहां पे काम कर रहे थे वहां करिए, मुंबई नॉर्थ को एक लोकल की जरूरत है। गोपाल शेट्टी जी को हटाकर जो लोकल रहे निवासी थे वहां पर, उनको हटाकर, एक पॉपुलर एमपी थे, काम करते थे मुंबई नॉर्थ में, उनको हटाकर आप दिल्ली से किसी को लेकर आए हैं, तो वो उनका भी हारना तय है। और बाकी सीट पे उम्मीदवार ही नहीं दे पा रहे हैं, तो उसी से स्पष्ट है ना क्या मूड है उनके खुद के खेमे में। तुम्ही पाहत आहात विस्टा न्यूज मराठी।